अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप देख रहे हैं अलकलम एजुकेशनल चैनल। यू आर वाचिंग अलकलम एजुकेशनल चैनल, जिसमें एजुकेशन से मुताल्लिक आपको हर किस्म की मालूमात दी जाएगी। तो हम ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट टू के, जिसमें हमने स्टार्ट किया हुआ है डेप्रिसिएशन का चैप्टर। इंशाल्लाह बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो परेशान ना हो, एग्ज़ाम से पहले ही आपका कवर हो जाएगा, बल्कि तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि कोशिश ये करेंगे जल्दी जल्दी से ना आपकी वीडियोज़ को अपलोड कर दिया जाए, आप आराम से बैठ के उसकी घर पर प्रैक्टिस करें। और वीडियो देखने के बावजूद अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट्स करें, तो हम आपके जो है कमेंट्स का जवाब ज़रूर देंगे। तो अब अभी तक हमारा जो है ना फर्स्ट मैथड चल रहा है। फर्स्ट मैथड करने का करवाने का मकसद यही है कि स्टूडेंट को इस पर अच्छी तरह से ग्रिप हो जाए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका पेपर तकरीबन सुहेल अफजल की बुक से आता है, लेकिन थोड़ा सा इशू ये होगा इसमें कि किसी के पास पुरानी बुक का, किसी के पास नई बुक का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो नई बुक में क्वेश्चन ज़रा ज़्यादा दे दिए हैं, अगर तुम उसे कोई रह गए होंगे तो आप हमें सेंड कर देना, हम आपको सवाल हल करके दे देंगे, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात होती है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या है, क्योंकि कहाँ से आया सवाल। मेन चीज़ सिर्फ वो रकमे को चेंज करते हैं, बाकी पैटर्न वही होता है। यानी जैसे निकालना, आपके डेप्रिसिएशन के दो मेथड है तो दो ही मेथड है, सिर्फ नाम चेंज है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलो शुरू करते हैं। मेरे पास एक सवाल है, देख रहे हैं आप बुक में भी आपके सवाल लाजमी होगा, लेकिन लिखने का मकसद ये है कि ज़रा अच्छी तरह से आपको भी ज़रा वाजी हो जाएगा। अ फर्म परचेज अ बिल्डिंग, एक फर्म है उसने क्या किया है, बिल्डिंग को परचेज किया है, ठीक है। कॉस्टिंग रुपीज़ 9 लाख और उसकी इतनी अमाउंट है 9 लाख, इस तरह आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एक फार्म है उसने बिल्डिंग परचेज किया और उसकी अमाउंट कितनी है 9 लाख की, ठीक है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, बहुत ही आसान। क्या लिखा हुआ है, इट इज़ डिसाइड टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 5% पर अनम। उसने फैसला किया है कि डेप्रिसिएशन जो उसने प्रोवाइड करनी है वो कितनी किया, वो 5% है। देखिए जी, पर अनम का मतलब मैंने आपको पहले बताया था सलाना, और बास का जो है एग्जाम में पूरा नहीं लिखते, वो उसको ऐसे लिख देते हैं P.A, इसका मतलब भी परानम होता है, इसका मतलब भी परानम होता है, लेकिन उसको शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो आप घबराना नहीं। उसके बाद नीचे क्या आगे है कि ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, हाँ जी ये कौन सा मेथड आ गया, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। जाहिर सी बात है ये आपका कौन सा मेथड है, फिक्स मेथड, फिक्स आपका फिक्स कह रहे हैं आपको, फर्स्ट मेथड आपका, ठीक है, ये आपका है फर्स्ट मेथड, ठीक है। और फर्स्ट मेथड में आपकी डेप्रिसिएशन क्या होती है, फिक्स होती है। फिक्स का मतलब एक दफ़ा निकाल लिए तो आपने उसी को यूज़ करना है। मेक फर्स्ट 5 ईयर्स अकाउंट, आपने पहले 5 साल का अकाउंट बनाना है, ठीक है। अच्छी तरह से सवाल देख लें, जिनके पास नहीं है तो उनको भी नज़र आ जाएगा, बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल है। उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा, अगर नहीं नज़र आ रहा होगा तो वीडियो को सॉल्व करके देख लें। चले, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। चले, आपको पहले बताया था कि अकाउंट किसका बना रहे हैं, फर्म का नाम ही लिखना, स्टूडेंट को ये चीज़ समझाने की कोशिश की जाती है, जिसके ऊपर डेप्रिसिएट है, तो हमारी बिल्डिंग के ऊपर है, तो आपने यहाँ पे लिखना है बिल्डिंग अकाउंट नीट एंड क्लीन, ठीक है। नीट एंड क्लीन वो अक्सर स्टूडेंट के जहन में ही कॉन्सेप्ट रहता है, जब मैथ या अकाउंटिंग सवाल आते हैं उसे गंदा भी करते हैं तो हमें नंबर मिलेगा, नहीं, आप उसे नीट एंड क्लीन करना है। आपने पेपर ऐसे करना है जैसे कि आप एग्जामिनर को समझा रहे हो, क्योंकि जितना आप उसको क्लीन एंड नीट करेंगे उसको समझने में आसानी होगी, नंबर भी आपको अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। बिल्डिंग अकाउंट आ गया, परफॉर्मेंस सेम वैसी है जैसे आपको मांग लेते हैं, ये रहिए, ये देखें डेट, ठीक, ये डिटेल्स, ये आपको जो डिटेल्स वाला खाना है थोड़ा इसको ना चौड़ा रख लें, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा चीज़ें लिखनी होती है, स्टूडेंट करते हैं इसको कम कर देते हैं, रुपीस, ठीक है, फिर डेट, फिर डिटेल्स, फिर रुपीज़, बहुत ही इजी वे से आपको समझा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे कि आप जैसे स्टूडेंट जितने भी हैं, मतलब जिनको अक्सर टीचर ही कहते हैं कि बच्चा तो नलायक इसने पढ़ना नहीं है, उसको भी ये बात समझ आ जाएगी। बहुत ही इजी वे में कोई लंबा चौड़ा नहीं समझा रहे कि वहाँ का इतनी बड़ी हिस्ट्री लेके जाएँ, टू दी पॉइंट बात कर रहे हैं कि आप इसको सीखें। अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो यकीन आपको समझ आ जाएगी, छोटे बच्चे भी बैठा लें उसको भी ये बात समझ आ जाएगी, इतनी ईजी वे से समझा रहे हैं आपको। ये जी फॉर्म बना लिया ये, ठीक है, ये वाली साइड आपकी कौन सी है, डेबिट है, और ये वाली साइड है क्रेडिट है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ना आईकॉम के लेक्चर भी आ रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए भी, क्योंकि उनके पेपर जो है ना सेकंड ईयर के बच्चों के बाद ही होते हैं, उनको भी अगर कोई मसला मसाला है तो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। मतलब कॉमर्स के जितने सब्जेक्ट है, बैंकारी हो गया आपका, जुराफिया हो गया, कॉमर्स हो गया, माशियत है, उनके गेस्ट भी आपको बहुत जल्द इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो बस आपने हमारे इस वीडियो के साथ बने रहना है। अच्छा, अब जो मैंने क्वेश्चन आपको पढ़वाया है अभी, उसमें ना उसने कोई डेट नहीं दी हुई आपको। अक्सर जब आप क्वेश्चन करते हैं उसमें डेट बताते हैं कि 2003 से, 2004 से, 2005 से,
इसमें कोई डेट दी ही नहीं हुई है, तो डेट ना दी हो तो आपने परेशान नहीं होना, सिंपल सी बात है। जब आपको क्वेश्चन में कोई डेट ना दी जाए तो हमने खुद से फर्ज कर लेना। अब उसने सिर्फ हमें ये बताया कि फर्स्ट आपने 5 ईयर का अकाउंट बताना है, ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर का अकाउंट बताना है, लेकिन डेट ही दी हुई, तो हम अज़्यूम कर लेते हैं 1 जनवरी से, ठीक है, ये ले 2001 से स्टार्ट कर लें, 19 से स्टार्ट कर लें, 18 से स्टार्ट कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 2001 फर्स्ट जनवरी, ठीक है, बिल्डिंग खरीदी है, कैश अकाउंट, बिल्डिंग की अमाउंट उसमें लिखी हुई कितनी, 9 लाख की थी, ठीक है, कितनी थी, 9 लाख की थी, क्लियर हो गया। और हमारा अकाउंटिंग पीरियड कब क्लोज होता है, ये पहले मैंने आपको बता दिया, आपका अकाउंटिंग पीरियड जो है वो क्लोज होता है 31 दिसंबर को, क्लियर। हाँ जी, डेप्रिसिएशन निकालने की बात आती है, बहुत ईजी है, आसान है। वैसे तो अमूमन जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो ईजी आ जाते हैं, बहुत कम ऐसा होता है चांसेस जिसमें मशीनें ख़राब होती हैं उसको आप सॉल्व करते हैं, वो भी आपको जब करवाएंगे ना तो वो इतनी ईजी वे से कराएंगे कि आपके दिमाग में चीज़ समझ आ जाएगी कि हमने कौन सी मशीनें सेल करनी, क्योंकि पास का बीच में नई मशीनें आ जाती हैं, कोई मशीन ख़राब हो जाती है तो स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन आपको बहुत ईजी वे से करवाएंगे कि आपको समझ आ ही जाएगी। अच्छा, डेप्रिसिएशन है, मशीन मेरे पास क्या है, 9 लाख की, ठीक है, मशीन सॉरी वो बिल्डिंग आपकी, ठीक है, बिल्डिंग दी हुई है, और डेप्रिसिएशन का उसने रेट हमें पहले बताया था वो कितना है, 5%। आप सिंपल क्या करना है, 9 लाख का 5% करना है, जब आप 9 लाख का 5% करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 45,000, ठीक है, क्लियर है, नज़र आ रहा होगा उम्मीद है। अच्छा, वैसे ही जैसे तरीका पहले बताया था कि आपने देखना कौन सी साइड बड़ी है, जाहिर सी बात है कि आपकी डेबिट साइड बड़ी आ रही है 9 लाख की, तो आपने क्या करना है, 9 लाख यहाँ पर भी लिखना है, ये देखें 9 लाख यहाँ पर भी लिखना है, 9 लाख आपने यहाँ पर भी लिखना है, क्लियर हो गया। अब आपको बताया था कि जो सी साइड पड़ी होगी वो दूसरी साइड में से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, इसका मतलब 9 लाख पड़ी आ रही है वो क्रेडिट साइड में से माइनस हो जाएगी, जब हम इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 8550, ठीक है, यानी कि आंसर आपका आ गया है। इसको मैंशन करवाते हैं ताकि आपको ईजी हो जाए, ये जी बैलेंस कैरी डाउन, एक आंसर, एक साल का आंसर आपको निकल आएगा, देख ले अच्छी तरह से, कोई पॉइंट कंफ्यूज आपको कर रहा हो, समझ नहीं आ रहा हो तो आप हमसे जो है कमेंट करें, आपके पॉइंट्स का जवाब देंगे, उस वक्त ना से ना मिले अगर कोई टाइम ना मिले तो, लेकिन देंगे ज़रूर आपको, ठीक है, और उनके रात के बाद कर लें आपको जवाब मिल जाएगा आपको, यहाँ तक कि पेपर के दौरान भी आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो हम आपको समझा देंगे, ठीक है, तो आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, ये इम्तिहान को आपने बड़ी इजी तरीके से करना है, जितना इजी लगेगा ना उतना आपको तैयार हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 2001 का हो गया, अब चलते हैं हम 2002 की तरफ, 2002 की तरफ, यहाँ भी 1 जनवरी है, ठीक है, अब ये बैलेंस आपका क्या आ जाएगा, नीचे हो जाओ, आप नीचे बैलेंस लेके आते हैं, वो क्या होता है, बैलेंस ड्रॉ डाउन, कितना था, 8555000, अकाउंटिंग पीरियड आपका क्लोज हो रहा है, कोशिश करिए जो डेट है ना इसको आप मार्कर से लिख लें, मेरा अच्छा सा और नीट सा परफॉर्म हो जाएगा आपका, 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर के बाद जो हमारे पास बैलेंस आया, वो बैलेंस नहीं आ रहा, आपने क्या निकालनी है, डेप्रिसिएशन निकालनी, ठीक है, डेप्रिसिएशन निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक दफ़ा हमने निकाल ली है, पहले ही बताया था, एक दफ़ा जो आप निकालेंगे वो आपकी क्या होगी, फिक्स होगी 45,000, ठीक, ये वाली साइड बढ़िया आ रही है, ये वाली साइड बड़ी आ रही है, ये वाली साइड बड़ी आ रही है, इसी को दोनों साइड पे लिखना है, ये जी यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब ये साइड बड़ी आ रही है, डेबिट में इसको उसमें से लेस कर दें, अब आपने इसमें से 45,000 जब आप लेस करेंगे तो आपके पास आएगा 8000, ठीक है, 8,10,000, क्लियर हो गया आप लोगों को। और ये मेरे पास क्या आ गया है, बैलेंस कैरी डाउन, बहुत ईजी वे है, बैलेंस कैरी डाउन, और बात करते हैं इम्तिहान में इसी तरह ज़्यादा इसी तरह के सवाल होते हैं, इजी इजी वे निकालना, सिर्फ मेथड का बता दिया कि मेथड दो ही हैं आपके डेप्रिसिएशन, मेथड आपके सिर्फ दो ही हैं, सिर्फ नाम चेंज है, नाम से आपने घबराना नहीं, इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया इसके नामों का, तो इस तरह के सवाल आते हैं तो 20 नंबर तो आपके मुफ्त के हैं, क्योंकि मैंने पहले आपको पैटर्न बताया ताकि आपको पता चले कि आपने अकाउंटिंग के सिर्फ 3 सवाल सॉल्व करने हैं, और 3 सवाल सॉल्व करके 60 नंबर तो आपके यहाँ से पक्के हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ईजी। जब आपका चैप्टर खत्म होगा उसके लास्ट में आपको ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दिए जाएंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड, आपने क्या करना है उसको सिर्फ याद कर लेना है, बात स्टूडेंट उर्दू में करते हैं, बात इंग्लिश में करते हैं, लेकिन मेरा तो यही है कि आप उसको इंग्लिश में करें, वो ज़्यादा ईजी है, ठीक है, 2 साल का क्लियर हो गया। चलो जी, अब चलते हैं, साथ साथ उतारते जाएँ आप, क्योंकि बोर्ड इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, 2003 पे आ जाए, 1 जनवरी,
ठीक है, फर्स्ट जनवरी बैलेंस मेरे पास क्या आया है, ये है बैलेंस ब्रॉड डाउन ये, ठीक। और काउंटिंग पीरियड मेरा क्लोज होता है थर्टी वन दिसंबर को। हाँ जी, डेप्रिसिएशन कौन सी लेनी है, डेप्रिसिएशन फिक्स ही चलेगी मेरी क्योंकि मेरा फर्स्ट मेथड है ये जी, 45,000 ये वाली साइड बढ़िया आ रही है, ये वाली साइड आपकी डेबिट साइड जो है वो क्या आ रही है, वो बढ़िया आ रही है। इसको इधर भी लिखा, इसको इधर भी लिखा, ठीक है। अब क्या किया, 80 आपके पास 8 and 10,000 में से आपने 45,000 को क्या करना है, लेस करना है। लेस करने के बाद मेरे पास आंसर आ रहा है 765,000, ठीक है। ये जी बैलेंस कैरी डाउन, 3 साल के मेरे पास अकाउंट रेडी हो गए, 5 साल का निकाल रहा है। अब फिर आपको तो दिखा देते हैं, ये है आपकी कौन सी साइड है, डेबिट साइड है, ठीक है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। जब आप उसको सेल्स में लाएंगे उसका नीट एंड क्लीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये है क्रेडिट साइड, ये जितने भी मैंने इसको रेड से हाईलाइट किए ये सारे आपके बैलेंस निकले हुए हैं। आप लोगों ने नहीं ऐसे करना एग्जाम में, तो सिर्फ समझाने की हद तक आपको समझा रहे हैं ताकि ये हाईलाइट पर आपको क्लियर हो जाए, आप लोगों ने सीधा ही लिखना, ठीक है। ये जी 3 साल का अकाउंट हो गया, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं, वहाँ क्या है, 2 साल के जो रह गए उसको हम बताने लगे हैं, ठीक है। चलो इसको यहाँ से साफ कर लेते हैं, बाकी साफ ही कर देते हैं। आईकॉम पार्ट टू और मैं जो आप पढ़ेंगे ना आईकॉम पार्ट वन में, वो तकरीबन अगर आप आपका स्कोप जब बनता है आईकॉम बीकॉम करने का, तो उसमें तकरीबन चीज़ें आप कह सकते हैं 70% फाइव वही चीज़ें हैं, बहुत ईजी वे हैं, उछालो उसके भी लेक्चर आएंगे, बस आपने हमारी वीडियो के साथ बने रहना है, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं, वीडियो आपके इम्तिहान से पहले ही आपको मिल जाएगी। 2003 का मैथ है, अब हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है, 2004 फर्स्ट जनवरी, ठीक है। बैलेंस अब आपने बताना कौन सा था हमारा, हाँ जी बैलेंस हमारे पास कौन सा था, ये था 765,000। अकाउंटिंग पीरियड आपका क्लोज कब होता है, 31 दिसंबर को, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या था, हाँ जी डेप्रिसिएशन थी, डेप्रिसिएशन पता नहीं आ रहा होगा आपको, ये जी डेप्रिसिएशन अकाउंट फिक्स है हमारा क्योंकि फर्स्ट मेथड चल रहा है, ये जी ये साइड बढ़िया आ रही है 765,000, 765,000, ठीक है 765,000, क्लियर हो गया। यहाँ तो क्लियर है, उम्मीद है कोई मसला वगैरह तो नहीं है, अगर नहीं है तो आप मुझे बता दें, कोई कमेंट अगर आपको मसला ना तो आपने कमेंट्स लाजमी करना है, कोई भी मसला हो आपने कमेंट्स लाजमी करना है। 765,000 में से 45,000 को मेलर्स किया तो मेरे पास आ गया है 720,000, ठीक है। ये जी बैलेंस आ गया आपका, बैलेंस कैरी डाउन 4 साल का भी बैलेंस आपका निकल चुका है, इसे चाहे तो आप कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, उम्मीद है आपको यूज़ तो करना आता ही होगा, इसलिए वो करके नहीं दिखा रहे आप, ये देखिए, ठीक। चल अब मेरे पास लास्ट ईयर रह गए, ये जी 2005 फर्स्ट जनवरी, बैलेंस ब्रॉट डाउन 720,000, अकाउंटिंग पीरियड आपका क्लोज होता है 31 दिसंबर को, और डेप्रिसिएशन क्योंकि हमारा फर्स्ट मेथड चल रहा है तो ये क्या आ गया है फिक्स 45,000, क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। ये साइड बढ़िया आ रही है आपकी डेबिट साइड की, ठीक है। नीचे लाइन आपने डबल लाजमी लगानी है और नीट एंड क्लीन लगानी है, बार बार कह रहे हैं स्टूडेंट ही करते नहीं क्योंकि परफॉर्मे के नंबर भी मिलते हैं आपको, पहले बता देते हैं आपको, ये साइड बड़ी डेबिट साइड बड़ी थी, दोनों साइड पर लिखी, अगर क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है तो दोनों साइड पर ही अमाउंट लिखी जाएगी। क्या करना है, आपने 720,000 में से 45,000 को लेस करना है, लेस करने के बाद आपका आंसर आ गया 675,000, ये जी। अच्छा इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए, बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है
6,75,000 आपका आंसर आ गया है, आप अपने बुक को देख सकते हैं, उसमें भी आंसर ये सेम ही होगा, ठीक है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट कह देते हैं, वो करवाते हैं तो कहते हैं जी मैच ही, अरे ये आपका मैच ही होगा। ईजी तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से करवाया है, कोई मुश्किल है तो कमेंट ज़रूर करें, आप इस मुश्किल को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, आपके इम्तिहान से पहले ये सारे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बस आपने हमारी वीडियो के साथ बने रहना है, ठीक है। आपने क्या करना है कि इसको सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक इसलिए करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको लाजमी मिलेगी। इसके अलावा कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट्स अगर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, लॉन्ग एंड शॉर्ट, ताकि आप जो है इसकी तैयारी करना शुरू कर दें। बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी तरीके से समझाएंगे, कोई मसला नहीं होगा और इंशाल्लाह इम्तिहान में अच्छे नंबर से कामयाब हो जाएंगे। बल्कि आप जब कामयाब हो गए आप खुद ही रिकमेंड्स करेंगे कि हम जो है क्लियर हो गए हैं, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे पढ़ाए हैं, बल्कि ऐसे स्टूडेंट पढ़ाए हैं जिनको टीचर्स ये कह देते हैं कि बच्चे किसी काम के नहीं हैं, नालायक हैं, आगे बढ़ नहीं सकते। मैंने उन स्टूडेंट को पढ़ाया और अल्लाह के फजल करम का शुक्र है कि जिनको भी पढ़ाया वो क्या है, वो पास हो गए हैं, पास हो गए, आज वो अच्छी जगह पर हैं। तो कोई भी स्टूडेंट जो है नालायक वगैरह नहीं होता, हर बच्चों के जहन होते हैं, सिर्फ काम होता है टीचर का कि वो उसको जो है जो उसके अंदर माइंड में है उसको बाहर निकालें, ठीक है, उस पॉज कैसे करें। तो उम्मीद है कि आपको इस बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम आस्ता आस्ता जो है आपका सेकंड मेथड भी स्टार्ट करेंगे, साथ साथ थोड़े इन्हीं चंद दिनों में आपके चैप्टर जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्ले लिस्ट में आपको सारे हमारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। कोई अगर मिस हो गई है तो आप हमें पॉइंट्स करें तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के साथ इसको सब्सक्राइब भी करें, नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी नई वीडियोस आए तो क्या हो आपको इसकी अपडेट्स मिल सकें। इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।